मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया की ये भूमिका है कि मीडिया वही चीज़ों को दिखाती है, मतलब उन चीज़ों को हाईलाइट करके दिखाती है कि हाँ इसमें हमें टीआरपी मिल सकती है, तो वही चीज़ें दिखाती है मीडिया जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। सत्ता के पक्ष में ठीक है, वो मीडिया तो ऐसा है कि किसी के पक्ष में नहीं बोलते, अभी अगर आपकी तरफ से टीआरपी मिलेगी तो आपके फेवर में बोल देगी। यही तो सवाल है कि क्या सत्ता के पक्ष में मीडिया है? देखिए क्या है, अब हम तो उस लेवल तक अभी गए नहीं है, है ना, कि जैसे अभी आपसे मुलाकात हुई, हमें तो नहीं लग रहा कि आप सत्ता के पक्ष में या विपक्ष में हैं। देखिए है ना, हम भी मीडिया से रिलेट करते हैं, हाँ। लेकिन मीडिया भी समीक्षा या आलोचना से परे नहीं होने चाहिए, हाँ। इसलिए मैं अपने ऊपर स्वयं के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ कि क्या मीडिया सत्ता के पक्ष में है? अभी तो मीडिया एक्चुअली में सत्ता के पक्ष में भी है, अधिकतर 90% वीकेंस है कि वो बीजेपी गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करती है और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती है कि हाँ थोड़ी सा कांग्रेस का वो रहे, दम कम कम रहे, आलोचना हो। और कायदे से मीडिया जो है अपन कहते हैं चौथा स्तंभ है, अपने पिलर है, तो उसको इस तरीके से काम करना चाहिए कि जिसमें कि यानी कि डेमोक्रेसी में अगर मीडिया सही नहीं रहेगी तो यानी कि देश में प्रगति उतनी अच्छी नहीं होगी। अपन मीडिया के थ्रू ही लोग जानते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो मीडिया को बिल्कुल फ्री काम करना चाहिए कि यानी अगर कुछ सही है तो कुछ अपोज है, कुछ सही है तो वो उसको क्लियर बताना चाहिए। मीडिया भी एक मोदी जी को प्रोजेक्ट करने में और दूसरे नेताओं को डिस प्रोजेक्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है आज के दौर में, कर रही है, इसको तो हम बोल सकते हैं कि उस चीज से लेकिन रिलेट नहीं कर सकते। आप अभी का ही देख लीजिए, ज्यादा दूर का नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कितने दिन चली है ना, मीडिया वालों ने कितना दिखाया उसको? 10% भी नहीं दिखाया उसको, भारत जोड़ो यात्रा को। बस वो जो टॉप 100 है ना, दो मिनट में 200 खबर, वो आज राहुल गांधी जी यहाँ गए, बस खत्म, कुछ पता ही नहीं है भाई। अगर यही चीज मोदी जी कहीं जा रहे हैं ना तो पूरा मीडिया उनके पीछे, सुबह से लेके शाम तक पूरा मतलब समरी टाइप का चलता है। जैसे अभी उनने टाइगर वो किया था तो उसको तेंदुए जो छोड़े थे वहाँ बाग में, उनका 2 दिन से सो ऑलरेडी, 2 दिन से जब आए भी नहीं थे उनने वहाँ से, मतलब उड़ान जब आना स्टार्ट हुए थे वहाँ से लेके 2 दिन तक, जब तक यहाँ तक नहीं आए, जब तक उनने पिंजड़े खोले नहीं, मतलब सारी चीज़ें उनने बताई। मतलब ये है कि हाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अनुभव वो है। कभी सोच में ये आता है, कभी कभी ये सोचते हैं कि राहुल गांधी के साथ मीडिया तो ज्यादती नहीं कर रहा? नहीं देखिए, मीडिया जाती ऐसा बोल नहीं सकते कि मीडिया जाती नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी बात सुनिए, क्या मुद्दा है, और भी तो नेता है, अरविंद केजरीवाल है ना, इतनी मजबूत सरकार बनाई दिल्ली में दोबारा इतनी मजबूत सरकार बनाई, क्या मीडिया उनको गलत उनको भी दिखा सकता है ना, क्यों नहीं दिखा रहा? दिखाता है, इतना नहीं दिखा रहा भाई, उनका भी अच्छा ही दिखाता है, है ना, लेकिन जितना वो राहुल गांधी के लिए दिखाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं उनमें भी खामियां है ना। जब यही कमी दिखाने की बात आती है तो एक चीज और सामने आती है कि पूरे देश में एक ही व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसको मतलब उसकी कमियां गिनाने के लिए, ऐसा भी महसूस होता है कभी? वो जो कि अपोजिशन के जब लीडर्स की बात करते हैं तब सबसे कॉन्सेंट्रेटेड, चाहे यूथ की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो, वहां पर राहुल गांधी ही प्रोजेक्ट होते हैं। राहुल जो गांधी हैं है ना, वो उनका जो प्रीवियस ईयर निकला है, जो कांग्रेस का ईयर है, वो उनके फेलियर को दिखाने के लिए उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक आदमी को पकड़ा गया, क्योंकि कांग्रेस का जो एक इतिहास है बहुत लंबा चला हुआ आ रहा है ना, तो उसको दबाने के लिए उस आदमी को पॉइंट आउट करते हैं। और अब मीडिया ऐसा है, 80% इसलिए बोला मैंने पहले कि 80% मीडिया इसलिए बीजेपी का साथ देती क्योंकि अभी उनकी सरकार है, और जो मीडिया साथ नहीं देती वो खरीद ली जाती, जैसे NDTV हो गया, वो अडानी के पास है।